हाय गाइस, मेरा नाम है हार्दिक साहू और आज हम चिकन बनाएंगे। काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे दोस्त लोग के भी आ रही थी और कमेंट में भी एक दो लोगों ने बोला था कि चिकन की रेसिपी चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर किसी को जानना हो कि चिकन कैसे बनाता हूँ मैं डाइट के लिए स्पेशली, आज हम लोग चिकन बनाएंगे, दिखाता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। चलो फिर, तो ये 300 ग्राम चिकन है, बोनलेस ब्रेस्ट है, इसमें लगभग 94 ग्राम से 95 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये हम दो लोग खाते हैं, वैसे तो मैं तो 150 ग्राम ही खाता हूँ, काफ़ी होता है एक टाइम के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो रही है आजकल, काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर ज़्यादा खाओ तो इसको धोते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं कि इसमें इसको मैरिनेट कैसे करना है और अगला स्टेप बताता हूँ मैं। ठीक है, चिकन धुल चुका है, अब इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे नॉर्मली डाल लेता हूँ अपने हिसाब से, और इसके ऊपर इसको मिला लेंगे। बट उससे पहले थोड़े मसाले और नमक अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक डालेंगे, खुल नहीं रहा यार, थोड़ा सा इसे काफ़ी है इतना नमक, और चिकन मसाला डाल देंगे साथ में। चिकन मसाला नॉर्मली डालना नहीं चाहिए, बट मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता रॉ चिकन का, तो मैं डाल लेता हूँ। और ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई, क्या बात है, मुंबई की पहली बारिश मेरे ब्लॉग में, कितनी अच्छी बात है। इसमें थोड़ा अपने से हिसाब से चिकन डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, इसके साथ थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो तवा पे फ्राई होगा तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको अब मिक्स करेंगे, हाथ से ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाथ साफ रहना ज़रूरी है। तो इसको मैरिनेट कर रहे हैं, इसको ढक दूंगा मैं 5 मिनट के लिए। फिलहाल इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने चिकन मसाला डाला है क्योंकि मेरे को उसी में अच्छा लगता है। काफ़ी लोग सॉस वगैरह भी डालते हैं, चिपोटले सॉस हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, मेयोनीज वगैरह बाद में डालते हैं, शेजवान भी डाल सकते हो आप, अच्छा लगता है, मैंने डाल के देखा, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा जैसे घर वाला टेस्ट होता है ना वैसा आता है। तो इसमें टोटल अपना जिम के डाइट के हिसाब से तो एकदम सही है, और इसमें प्रोटीन वगैरह भी अच्छे से आ जाता है। इसको मैं ढक देता हूँ, फिर 5 मिनट बाद इसको तवा पे गर्म करेंगे, इसको फिर बनाएंगे। चलो फिर, चिकन हो गया होगा, 5 से 10 मिनट मैंने रख दिया है चिकन का, इसको देखते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखता है। इसको तवा पे, तवा ही रख दिया था मैंने क्योंकि प्लेट जल्दी, तो इसको गैस जलाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा जैसे तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो एकदम थोड़ा सा तेल डालो, काफ़ी रहेगा, बस इसमें थोड़ा एकदम थोड़ा सा तेल, जितने में ये मतलब तेल चारों तरफ फैल जाए, 1/2 टेबल स्पून, अब इसको थोड़ा गर्म होने दो, उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे अपना, मैरिनेट कर लिया हमने, जो फिलहाल तो चिकन बन जाता है, जैसे अब इसको इस पर रखेंगे, सॉरी इस पर रखेंगे 5 मिनट, इसको एक जगह रखना है और 5 मिनट फिर इसको पलट के रखना है। तो इससे क्या होगा ना कि एक साइड पूरा प्रॉपर पक जाएगा, पहले जब मैं बनाता था जब मेरे को पता नहीं था सही से, तो मैं बनाता था पलट देता था, फिर बनाता था फिर पलट देता था, तो सही से पकता नहीं था और तवा भी जल जाता था। खैर थोड़ा सा तवा तो जल जाता है क्योंकि जिंजर गार्लिक डाला है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको इस हिसाब से धीरे से मैं स्लाइस में कटवा लेता हूँ क्योंकि जल्दी पक जाता है, आप लोग भी ऐसे अगर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। अभी मैं इसको ढक दूंगा, फिर 5 मिनट बाद इसको पलट देना। चलो,
तो 5 मिनट हो चुका है, गिन के 5 मिनट, 6 भी हो सकता है बट 5 मिनट हो गया है। अब इसको पलटते हैं, गर्म होता है ध्यान से, थोड़ा सा ये पानी छोड़ देता है, बाकी धीरे धीरे जब पानी उड़ेगा तो पक जाता है धीरे धीरे। थोड़ा सा तेज कर लूँ रखने के बाद। अब बन जाएगा तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो चिकन पलटे के लिए आ चुके हैं, देखो थोड़ा थोड़ा सा ना जल गया आज लग रहा है, बट जला नहीं है, तवा काला हो गया क्योंकि वो क्या नाम है, जिनमें गार्लिक पेस्ट की वजह से। अभी तो गोल्डन ब्राउन ही है, रोज ऐसा नहीं बनता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता नहीं आज क्या हो गया। एक बार और वीडियो बनेगी इस पर, पार्ट टू बनेगा जो अच्छा होगा, ये भी इसका टेस्ट अच्छा होगा, ये तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ क्योंकि मैं रोज खाता हूँ। बट थोड़ा सा काला हो गया अभी, भाई साहब रूठ गए हैं चिकन आज हमसे, है कि नहीं? आज चिकन रूठ गया हमसे, आज महंगा भी दिया और रूठ गया। तो बारिश भी भाई किस्तों में हो रही है, मैरिनेट कर रहे थे तो बारिश हो रही थी, मैरिनेट करके ढक दिया तो बारिश भी चली गई। फिलहाल अब इसको 2-3 मिनट के लिए और ढक देते हैं और दिखाते हैं कैसा बना है। चलो मेरे कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको अगर ऐसे कट करके देखो ये हो जाता है तो मतलब समझ लो पक गया है, मतलब पक गया है। ये थोड़ा सा नॉर्मली ऐसा बनता नहीं है बट आज पता नहीं क्या हो गया, सही से पका नहीं और सही से बना भी नहीं, थोड़ा जल भी गया। नेक्स्ट टाइम एक और बार ट्राई करेंगे, ये तो फेल हो गया मेरे हिसाब से थोड़ा सा। काफी अच्छा कल मैंने बनाया था, काफी अच्छा बना था बट आज पता नहीं कैसे जल गया 5 मिनट 10 मिनट के चक्कर में, अरे कब पानी भी नहीं सूखा इसका और जल भी गया तुरंत ही। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम बनाते हैं, ये तो फेल हो गया। चलो फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, खाके बताता हूँ कैसा लग रहा है क्योंकि देख के तो अच्छा हो वैसे नहीं लग रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा लग रहा है, टेस्ट वाइज काफी अच्छा है बट शक्ल वाइज तो भाई आप देख ही रहो, टेस्ट काफी अच्छा है क्योंकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था मैंने तो इसका टेस्ट तो आ ही रहा है, चिकन मसाला अपने हिसाब से मैंने डाला था, रोज ऐसे ही बनाता हूँ मैं बट आज थोड़ा पता नहीं चिकन गुस्सा हो गया, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट टाइम एक और बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम ग्रेवी वाला बनाएंगे वो बढ़िया बढ़िया बनेगा। चलो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।